स्टूडेंट्स, मैं माशाकर सर आपके लिए पीरियडिक टेबल का एमसीक्यू का जो क्वेश्चन बैंक है उसका सेकंड सेशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में आपके लिए मैं 30 क्वेश्चंस चुन के लेके आया हूँ, जिसका यूज आपको शाहू कॉलेज का सीईटी का जो मेन एग्जाम है और उसके साथ दयानंद का जो डी सैट एग्जाम है उसके लिए जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो कल हमने क्वेश्चन 20 देखा था, उसके बाद 21 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिस्प्लेस प्रोग्रेसिवली इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल। ओके, तो उसमें ए है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथाल्पी, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी, उसके बाद है साइज ऑफ द एटम। ओके, कौन सा आंसर आ जाएगा आप सोच सकते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर हम ग्रुप में, अगर टॉप टू बॉटम ग्रुप में अगर जाते हैं तो उस ग्रुप में यहाँ पर क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बच्चों, एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज द नंबर ऑफ सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज होता है। इसका मतलब आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। ये थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, लेकिन फिर भी आपको एक क्ल्यू बोलूंगा मैं, उसके साथ आप इसको आसान से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल एग्जाम्पल मैं यहां पर रखता हूँ आपके सामने। तो एक्स पॉजिटिव जो होता है, एक्स पॉजिटिव, ठीक है, वो छोटा होता है, उसके बाद एक्स होता है, उसके बाद क्या होता है, एक्स निगेटिव हो जाता है। यानी कि एक्स निगेटिव जो है वो सबसे बड़ा साइज होता है ना, ये लार्जर साइज होता है, ये स्मॉल साइज का होता है, और न्यूट्रल जो होता है वो बीच वाला होता है। ठीक है, ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो इसी हिसाब से हम इसका आंसर निकालते हैं, क्या बोलता है वो, लार्जेस्ट साइज किसका है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप कि जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो लार्जेस्ट साइज का हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बी आर निगेटिव है और आई निगेटिव है, लेकिन बी आर का एटॉमिक नंबर 35 है, इसका 53 है, इनके इसका मतलब क्या हुआ, आयोडीन निगेटिव जो है वो सबसे बड़ा साइज, क्योंकि वो ग्रुप में सबसे नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा कौन होता है। अभी मैंने आपको बोला है जो छोटा होता है वो प्लस साइन में होता है, जो छोटा होता है वो प्लस साइन के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्लस में दिखाई दे रहे, इसलिए थोड़ा सा आसानी से आप अच्छी तरह से थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं एन ए पॉजिटिव है, उसके बाद एम जी के ऊपर डाई पॉजिटिव है। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप जानते हैं कि एम जी डाई पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर सी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम बढ़ते हैं। बच्चों, 24 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। लार्जेस्ट के लिए मैंने क्या बोला था, उसके ऊपर क्या होना जरूरी है, निगेटिव चार्ज होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर किसी के ऊपर भी निगेटिव चार्ज नहीं है। उसके बाद नंबर किसका लगता है, यानी कि न्यूट्रल वाले का लगता है। इसका मतलब इसमें न्यूट्रल कौन है, एल जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हम क्या है, तो आंसर ए इस क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम मुड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ओके, जो एलिमेंट्स है उसका हमको क्या करने का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको उसको अरेंजमेंट करने का है। ठीक है, हमें इसीलिए क्या है, थोड़ा सा एटॉमिक नंबर मालूम होना जरूरी है। कार्बन 6 है, यानी कि है ना बरोबर, और उसके बाद 8 नंबर यानी कि ऑक्सीजन आता है, उसके बाद फ्लोरीन आ जाता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आ जाता है। अब अपन को क्वेश्चन क्या है, देखिए, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई ये ग्रुप में बढ़ता है बच्चों, ग्रुप में जो होता है एटॉमिक रेडाई बढ़ता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो एटॉमिक रेडाई वो किसका हो जाता है, ब्रोमीन का हो जाता है ना।
इसका सही आंसर क्या है आप जानते हैं बच्चों? इसका सही आंसर क्या होता है? फिर इसका ऑर्डर आपको लगाना है ना, छोटे से लेकर बड़े तक लगाना है। सबसे छोटा ए होता है, क्योंकि पीरियड में जो जाते हैं ना तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, यानी कि सबसे कम किसका हो गया? फ्लोरीन का हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन का हो गया, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद कौन आता है? ब्रोमीन का नंबर। यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 का आंसर क्या है? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको हम अरेंज करना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, रुबिडियम है, बच्चों इसमें आपको थोड़ा सा ग्रुप का नॉलेज होना जरूरी है, उसके हिसाब से आप ये क्वेश्चन को छुड़ा सकते हैं। यानी कि पहले ग्रुप में आप देखते हैं, जो पहला ग्रुप होता है ना उसमें सोडियम है, सोडियम के नीचे कौन है? पोटेशियम है, सोडियम के आगे कौन होता है? मैग्नीशियम होता है, और पोटेशियम के नीचे कौन है? रूबीडियम है। आप पीरियडिक टेबल में जाके अगर देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर सोडियम के नीचे पोटेशियम है, पोटेशियम के पीछे रूबीडियम, नीचे उसके बाद सोडियम के आगे मैग्नीशियम है ना, बरोबर। तो आपको इस हिसाब से क्या करने का, जब ग्रुप में नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, अगर पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अब 26 जो है उसका सही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सबसे छोटा कौन है? अब इधर जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, आपको मालूम है, इसका मतलब क्या हुआ? Mg सबसे पहले आ जाएगा, Mg के बाद नंबर लग जाएगा सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद रूबीडियम का नंबर लग जाता है बच्चों। इसका मतलब है आंसर ए इज द सही आंसर है। सही है नहीं, ये आंसर कहाँ आता है बोलो? बी में सही आंसर है, सही ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या है, मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रूबीडियम, आंसर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आपके लिए मैंने थोड़ा सा गलत बोल के देखा कि आप क्या आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है? ठीक है, अब यहाँ पर ये आंसर जो है आर्सेनिक है, ए पी ब्लॉक एलिमेंट है, सी ए जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, एल्यूमिनियम जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ए पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, बोरॉन, सॉरी, यहाँ पर बोरॉन जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद एफ ई जो होता है ना वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, डी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं यानी कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, क्यों? उसमें जो एन एस और एन माइनस वन डी ये जो दो ऑर्बिटल होते हैं इसका एनर्जी नियरली सेम होने की वजह से क्या होता है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी हमको शो करते हैं बच्चों। एक से ज्यादा वैलेंसी वो दिखाते हैं हमको। एफ ई में आप जानते हैं कभी एफ ई प्लस टू में होता है तो एफ ई कभी प्लस थ्री के चार्ज में आता है, यानी कि वो क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी हमको शो करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स ऑक्साइड इजीली इन एयर, एयर में सबसे इजीली ऑक्साइड कौन फॉर्मेशन करता है? क्वेश्चन नंबर 28 है, आप देख सकते हैं एफ ई सी आर एन आई, ये जो तीन एलिमेंट है ना जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्रोमियम, एफ ई और एन आई जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये डी ब्लॉक में है, थ्री डी सीरीज में आते हैं, डी ब्लॉक सीरीज में आते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए सबसे आसान तरीके से अगर ऑक्साइड कोई बना सकता है तो वो एल्यूमिनियम है, आपको मालूम है Al2O3 नाम का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होता है? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं हम। अमंग द हेलोजन्स द लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज फॉर, सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है? ठीक है, इसका सीक्वेंस हम मालूम है कि ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और
आयोडीन होता है बच्चों, है ना, ये ग्रुप में एक ही ग्रुप में आते हैं आपको मालूम है। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है फ्लोरीन 4.0, उसके बाद नियर अबाउट ये 3 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.8 की तरफ या 2.6 या 2.5, यानी कि आप जान सकते हैं यहाँ पर सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है, आयोडीन है। और ये आप जानते हैं पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टीज में कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम हम अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाता है, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आप इसी आधार के ऊपर ही क्वेश्चन का आंसर आप आसान से दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की तरफ से जब हम आयोडीन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, बोलिए, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है, है ना। तो इसका आपका आंसर आप आसान से निकाल सकते हैं, है ना, क्या होते हैं, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ हम जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस लार्जेस्ट किसका है। अभी इसी आधार के ऊपर हम क्वेश्चन छुड़ा सकते हैं जो ऊपर दिया हुआ है हमने चार्ज के हिसाब से, ठीक है। अब चार्ज के हिसाब से क्या बोला, लार्जेस्ट आयनिक रेडियस किसका होता है, जो निगेटिव होता है ना उसका लार्जेस्ट साइज हो सकता है ना। निगेटिव यहां पर कोई भी नहीं है बच्चों, सभी पॉजिटिव है। तो हम ये सीरीज में आते हैं पहले वाले, तो इसमें हमने बोला जितना चार्ज ज्यादा होता है वो छोटा होता है, लेकिन सभी के ऊपर चार्ज क्या है, सेम चार्ज है बेटो, ठीक है। तो इसका देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो है ना, यहाँ पर बेरिलियम का नंबर सबसे पहले आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद कैल्शियम आता है, उसके बाद स्ट्रांसियम आता है बच्चों। ये ग्रुप नंबर सेकेंड में है ना, इसको आप देख सकते हैं बेटा मांगे, इसको बोलने का बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर। तो ये सीक्वेंस को हम अरेंज कर सकते हैं और आपको क्या होना है, लार्जेस्ट होना है, जो सबसे नीचे होता है ना वो लार्जेस्ट साइज वाला होता है। इसका मतलब सही आंसर इसका क्या हो गया, तो आंसर बोल सकते हैं आप, इसका आंसर 31 का आंसर लास्ट आंसर है, है ना, यस आर डाई पॉजिटिव इसका सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है, ठीक है, सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है। सेकेंड पीरियड में आप देख सकते हैं कि यहां पर हम कार्बन है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आ जाता है, उसके बाद फॉस्फोरस आ जाता है, उसके इधर क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। एक ग्रुप नंबर 13 में आता है, एक ग्रुप नंबर 14 में आता है, एक ग्रुप नंबर 15 में आ जाता है बच्चों, ठीक है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं जैसा सबसे पहला कौन आता है उसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, जो पहला आता है ना उसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है। और सबसे पहला कौन आ रहा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम सबसे पहला आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर बी ये सही आंसर है, वो सबसे बड़ा साइज वाला है, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन पीरियड मोस्ट नॉन मेटेलिक पी ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग्स टू द ग्रुप, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करने वाले कौन से ग्रुप में रहते हैं, सबसे ज्यादा नॉन मेटल। जब हम पीरियड में देखिए बच्चों, पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जब मुड़ते हैं तो सबसे आखिर में जब जाते हैं तो उधर क्या होता है, नॉन मेटल का नेचर उधर बढ़ते जाता है, पीरियड में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी गोज ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन सबसे आखिर में जो है नोबल गैस है ना, नोबल गैस, इसलिए उसको हम नहीं कंसिडर कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप नंबर 17 में सबसे मोर रिएक्टिव जो है, सबसे क्या है, मोस्ट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 17 में, जिसे हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 34 बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। एक्स क्या बोलता है, डिनोट्स क्या करता है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वो हमको एक्स लेटर से उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है, उसी हिसाब से आपको वैलेंसी निकालना है। वैलेंसी का मतलब आप जानते हैं बच्चों, वैलेंसी तो वैलेंसी का मतलब है लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट सेल में एक्स इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम एक्स को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। या दूसरा तरीका है 8 माइनस दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो फार्मूले हैं, क्यों, 1, 2, 3 अगर इलेक्ट्रॉन अगर कम है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो सीधा उसको हम वैलेंसी कंसिडर करते हैं, 4 से आगे अगर जा रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम 8 में से उसे माइनस करते हैं। यानी कि दो तरीके हैं बच्चों, यानी कि बी वाला भी सही है, सी वाला ही सही है। इसका मतलब अब सही आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। डी यहां पर क्या होता है, हमारे लिए सही आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। पहला पीरियड में कितना एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, आप जानते हैं पहला पीरियड जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, दो एलिमेंट्स होते हैं। इस हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर में अगर देखेंगे तो तीन आंसर आप सही लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पीरियड में अगर जाएंगे हम, फोर्थ पीरियड में तो फोर्थ पीरियड में क्या होता है बच्चों, 18 नंबर आता है, 18 नंबर फोर्थ पीरियड में। क्यों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत वहां पर होती है, यस होता है, डी होता है, पी होता है, यानी कि तीनों का सम अगर आप ले जाएंगे तो ये 2, ये 6 और ये यहाँ पर सॉरी 2 ये डी सॉरी यहाँ पर डी होता है, डी एक 10 होता है, उसके बाद ये 6 टोटल ले लीजिएगा इसका 18 यहाँ पर टोटल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से हम आंसर 18 निकाल सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ में भी सिर्फ ये तीन यहाँ पर ये होता है, यस होता है, डी होता है और पी होता है। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे 2 + 10 + 6 अभी का जो है मेथड वही, यानी कि 18 इधर और 18 आ जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम 36 क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर बच्चों, यहां पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ सीसियानियम पॉजिटिव, यलाई पॉजिटिव, एमजी डाई पॉजिटिव और एनए पॉजिटिव, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लार्जेस्ट साइज कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है बच्चों, सबसे बड़ा। पहले ग्रुप में अगर हम आ जाएंगे तो लिथियम पहले में आता है, उसके बाद सोडियम का नंबर पहले ग्रुप में आता है, सीसीएम का नंबर पहले ग्रुप में आ जाता है, एमजी इसके आगे आ जाता है बच्चों। आपको पीरियडिक टेबल का सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीसियानियम पॉजिटिव सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे जो होता है ना उसका साइज बड़ा होता है बच्चों, बड़ा साइज होता है। इसका मतलब आंसर आपको मालूम हो गया, इसका सही आंसर क्या है, सी एस पॉजिटिव, यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 हमको 50 क्वेश्चन आज करना ही करना है बच्चों, बहुत ही अलग तरीके से, क्योंकि हम देखते हैं शव कॉलेज के एग्जाम में थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन हो आपको पूछे जाते, इसलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, आपको अगर लाइक लग गया, अच्छा लग गया, आपने हमको लाइक किया तो हम इसके आगे इससे वाले भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। ठीक है, कौन से ऑर्डर में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते हुए जाता है बच्चों, कौन से ऑर्डर में जाता है, ऐसा हमको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, कौन से एलिमेंट्स है यहाँ पर पहले लिखे जाते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है ना, उसके बाद फॉस्फरस है बच्चों। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 एटॉमिक नंबर यहाँ पर है, 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन है बच्चों। ठीक है, और इसी फैमिली के अंदर हम जानते हैं सिलिकॉन इसके नीचे आ जाता है, फॉस्फोरस इसके नीचे आ जाता है बच्चों। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको निकालना जरूरी है बच्चों। जैसे हम नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होता है।
दर जब बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। सबसे ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा अगर किसका है तो नाइट्रोजन। आखिर में नाइट्रोजन कौन से आंसर में आया है, आप अब आसान से इसको चॉइस कर सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की है बच्चों, उसके इधर कार्बन, उसके नहीं बाद इधर आप जान सकते हैं आप कि फॉस्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन है ना। हम जानते हैं इधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, इसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन है ना, उसके बाद फॉस्फोरस का नंबर, और सबसे कम कौन आता है, सिलिकॉन का नंबर वहां पर लग जाता है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38, द एटम हैविंग द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ओके, 4s2। ये थोड़ा सा सीबीएसई आईसीएसई के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को निकाला है बच्चों, सीबीएसई आईसीएसई, क्योंकि वो बोलते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है बच्चों उनको, इस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन को चॉइस किया है। तो इसका आंसर कैसा निकालना है, देखिए बच्चों, ये जो पी ब्लॉक है ना, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बोलिए, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें 12 नंबर ऐड करता हूँ बच्चों। 12 नंबर को ऐड कर दिया तो क्या होता है बच्चों, 14 हो जाता है। 14 यानी का मतलब क्या हो गया, इसका ग्रुप नंबर 14 हो गया। मैंने क्या क्या समझ में आया, पी में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 ऐड कर दिया है, 12, और वो मिला के होता है 14, यानी कि ग्रुप नंबर 14 में ये एलिमेंट्स आ जाता है। उसके बाद कौन से पीरियड में आ जाता है बच्चों, ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर उस पीरियड का होता है, यानी कि फोर्थ पीरियड में वो आ जाता है ना, फोर्थ पीरियड। इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म अ गैसियस यूनि पॉजिटिव आयन, ओके, इज फॉर द एलिमेंट्स विथ कॉन्फिगरेशन। हमको क्या है, वो गैसियस स्टेट में यूनि पॉजिटिव के स्टेट में जाना जरूरी, यूनि पॉजिटिव यानी के +1 चार्ज उसके ऊपर होना जरूरी है। जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करता है, यूनि पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ता है। जो आंसर ए है इसमें देखते हैं आप कि आखिर में 3s2 लिखा है, यानी कि सेकेंड ग्रुप में आ जाता है। आंसर सी में आप देख सकते हैं, उसमें पी में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद डी में देखा जाए तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लेकिन आंसर बी में एक ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p1। यहाँ पर देख सकते हैं पी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसलिए वो पी में से जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पर क्या करता है, यूनि पॉजिटिव स्टेट में वो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों, 39 का क्वेश्चन क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट है ना, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है बच्चों, वो ग्रुप नंबर 17 का होता है बच्चों। किसका होता है, ग्रुप नंबर 17 का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, और ग्रुप नंबर 17 जो है उसका कॉन्फिगरेशन जो होता है ना बच्चों, Ns2Np5, ये कॉन्फिगरेशन इस ग्रुप का होता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से जो कोई आंसर आ रहा है वो आपका सही आंसर है, इसका मतलब हो गया आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, 2s2 2p5। इनके ये जो कॉन्फिगरेशन है ना, ये फ्लोरीन का है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन शो करता है बच्चों, फ्लोरीन शो करता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं जल्द से जल्द हम। ट्रांजिशन मेटल लाई इन द पीरियडिक टेबल बिटवीन द ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से पीरियड के बीच में आ जाता है बच्चों, ये कहां पर आ जाता है, हमको इसका आंसर देना है, ठीक है। पीरियडिक टेबल में कौन से ग्रुप के बीच में आ जाता है, देखिए बच्चों मैं इसको आपको आसान तरीके से बोलूंगा। ये पहले जो दो ग्रुप होते हैं ना पीरियडिक टेबल में बच्चों, ये यस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यस ब्लॉक एलिमेंट। बीच वाले जो होते हैं ना वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं,
उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और ये बीच वाले डी होते हैं, यानी कि पहला और दूसरा ग्रुप। उसके बाद ये 13 के हिसाब से 18 तक बढ़ता है, यहाँ पर 3 से लेकर ये यहाँ पर 12, यानी कि किसके बीच में आ जाते, 2 और 13 के बीच में ये डी ब्लॉक आ जाता है, 2 और 13 के बीच में। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 41 नंबर क्वेश्चन जो होता है उसका सही आंसर बी है, क्योंकि कहां पर आ जाता है वो ग्रुप नंबर 3 से 12 आता है, इसका मतलब 2 और 13 के बीच में आ जाता है ना बच्चों, इसलिए सही आंसर बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, बढ़ने से पहले आप सबसे जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा सा अच्छा वीडियो लेके आऊं, क्योंकि दयानंद कॉलेज का जल्द से जल्द डी सेट एग्जाम्स होने वाला है, उसी के लिए भी मैं कुछ वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स विच आर बोथ यस ब्लॉक एलिमेंट्स। यस ब्लॉक में से ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसका एटॉमिक नंबर उसे मैच होता है बच्चों। तो एक इसका आंसर जो आप आराम से निकाल सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, यस ब्लॉक एलिमेंट्स में से आप 3 और 12 जो आंसर है वो यस ब्लॉक एलिमेंट्स में से आता है बच्चों। आंसर डी इज का सही आंसर है बच्चों, आंसर डी। कैसा, ये हो गया लिथियम का, ए हो गया मैग्नीशियम, बोथ आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आप बहुत आसान से पढ़ सकते हैं इसको, यस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम, 43 जल्द से जल्द हम 50 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसका है। एनायन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए और निगेटिवली चार्ज आयन को फॉर्मेशन करना चाहिए, यानी कि वो नॉन मेटल होना जरूरी है और उसका इलेक्ट्रॉन लेने की उसके पास टेंडेंसी होना जरूरी है बच्चों। ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव रहते हैं, जो मोर नॉन मेटेलिक रहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की सबसे ज्यादा उसकी चाहत होती है बच्चों। इसलिए इस हिसाब से अगर आप हम इसका आंसर निकालेंगे तो इसका सही आंसर हो जाता है ए, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। आप देखते मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है बच्चों पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा 4.0, 3.5 और 3.0 के आसपास नजदीक होता है बच्चों, यानी कि इसका मतलब स्ट्रांगेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की सबसे ज्यादा होती है बच्चों इनके पास। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 44 की तरफ बढ़ूंगा, 44 जल्द से जल्द हम 50 की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, इंक्रीजिंग साइज में कौन सा ऑर्डर है यहाँ पर, इसका हम सही आंसर आप देख सकते हैं। आंसर सब हम पढ़ेंगे, ए है, बी है, सी है, डी है, लेकिन इस हिसाब से बोल सकते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा वीडियो बढ़ते जा रहा है इसलिए मैं जल्द से जल्द आंसर की तरफ आ जाऊंगा। डी आंसर है यलाय, एन ए और के। आप देखते हैं पीरियडिक टेबल में पहले ग्रुप में लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम। ठीक है बच्चों, तो ये ऑर्डर है, इंक्रीजिंग साइज का ऑर्डर है ना बच्चों, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं, 45। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है बच्चों, देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल, फिफ्थ पीरियड जो होता है ना पीरियडिक टेबल में, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है वहां पर, इसका हमको आसान तरीके से निकालना है। फिफ्थ नंबर का जो पीरियड होता है ना बच्चों, अभी मैंने बोला था वहां पर क्या होता है, उस पीरियड में यस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। यस का मतलब वहां पर 2 लेते हैं हम, डी का मतलब उसमें 10 ऐड करते हैं और पी का मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी जो पीरियड में होता है वो डी में एक पीरियड में जो है वो 10 एलिमेंट्स होता है, यस में 2 होता है और पी में 6, यानी कि टोटल 18 इसका आंसर आ जाता है बच्चों। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, 46।
46 क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 35 लाई इन द ग्रुप। जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता ना बच्चों, वो कौन से ग्रुप में आ जाता है। देखिए बच्चों, जिसको अच्छी तरह से पीरियडिक टेबल मालूम है ना, वो बहुत आसान तरीके से बोल सकता है ना, इस आसान तरीके से, क्योंकि 35 नंबर जो होता है ना, वो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है बच्चों, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है ना, आप इसको जानते हैं। ब्रोमीन जो होता है वो हैलोजन है, हैलोजन होने की वजह से वो क्या होता है, ग्रुप नंबर 17 में आ जाता है, ग्रुप नंबर 17 में वो आ जाता है। ठीक है, ये एक तरीका है। और दूसरे तरीके से, जिस बच्चे को एटॉमिक नंबर 35 मालूम है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन उसका लिख सकता है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन अगर मालूम है ना आपको, तो आप लिख सकते हैं, उसी हिसाब से भी आप उसका ग्रुप नंबर आसान से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो गया, देखो सी आंसर करेक्ट आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। कौन सा है जो सेम फैमिली में लाए नहीं होता है, नहीं आता है बच्चों। आप पहले में देखते हैं 6s2 है, दूसरे में 5s2 है, उसके बाद डी में देखे तो 4s2, सब में s2 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 s2, सब एक ही ग्रुप में आते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर सेकेंड में आते हैं बच्चों। लेकिन सी आंसर जो है ये अलग वाले ग्रुप में आता है, अलग वाले ग्रुप। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नियॉन कॉन्फ़िगरेशन है सी में, और यहाँ आगे क्या है देखो, 3s2 है और 3p5 है, इसका मतलब ये हैलोजन है बच्चों, हैलोजन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ये क्लोरीन है, ग्रुप नंबर 17 में आते। और आंसर ए सी, इसके बाद ए बी और डी, ये जो है ना सेकेंड ग्रुप में आ जाते हैं बच्चों, ग्रुप नंबर सेकेंड में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियडिक टेबल। जो 55 एटॉमिक नंबर है ना, वो कौन से ब्लॉक में आ जाता है बच्चों, कौन से ब्लॉक में आ जाता है, इसका भी आंसर आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के इसका आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम इसमें कुछ तो कुछ क्ल्यू का अगर यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप नंबर फर्स्ट में आता है, ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में ए एलिमेंट्स आ जाता है। ठीक है बच्चों, ग्रुप नंबर फर्स्ट में अगर आता है तो वो कौन सा हो गया, यस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, यस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, हमको कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हुआ है ना, यहाँ पर 1s2 है, उसके बाद 2s2 है, उसके बाद 2p6 है, उसके बाद 3s2 है, उसके बाद 3p3 है। ठीक है, क्या बोलते हैं को, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर है ना ऑफ द एलिमेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये 2 और 2 और 6, यानी कि ये 10 हो गए, उसके बाद 2 12 हो गए, उसके बाद ये 3 है, यानी कि टोटल क्या हो गया, 15 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। फिर आगे क्या बोलते हैं देखिए, क्या बोलते हैं देखो, विच इज द जस्ट बिलो द एलिमेंट्स ऑफ पीरियडिक टेबल, इसके नीचे वाला एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना हो, कितना आता है हमको, उसका क्वेश्चन उन्होंने पूछा। इसका मतलब इसमें हम 18 मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं, 18 मिलाने के बाद इसका आंसर कितना आता है, 33 आ जाता है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, जो आखिरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने निकाला है, इन ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल द एलिमेंट पजेसेस, ग्रुप में क्या होता है बच्चों, ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है। ठीक है, पहला क्या बोलता है वो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में होते हैं, ऐसा बोलना है गलत है, क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक उसमें मालूम है, सेल बढ़ता है यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गलत है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आप जानते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गलत है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, ये सही आंसर है बच्चों, लास्ट आंसर इज दस, ये सही आंसर है, क्योंकि कौन सा भी अगर ग्रुप है, अगर हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 1, इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 का मतलब ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स आते हैं ना,
उसमें सभी में लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप नंबर 17 जो होता है लास्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 18 लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमको लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स में हमको दिखाई देते हैं। इसका मतलब आंसर डी इज द सही आंसर बच्चों। ठीक है, आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक किया, इसलिए थैंक्स, शुक्रिया बच्चों, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको ध्यान लगाकर पढ़ा हुआ है। थैंक्स बच्चों।